So gang, welcome back to the new video, new reaction video. So guys, आज के इस वाली वीडियो में हम अपनी ओल्ड वीडियोस पे रिएक्शन देने वाले हैं, मतलब मैं और आप एंजॉय करने वाले हैं इस वीडियो को. तो एंजॉय के लिए क्या करना होता है, लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करा जिन लोगों ने, सब्सक्राइब कर लो. सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में ओल्ड वीडियोस पे रिएक्शन देने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमने ओल्ड वीडियोस में अपना क्या क्या किया है. वैसे मैं पहले वीडियो थंबनेल भी डालता था ब्रो, पता नहीं भाई, पहले मैं बस वीडियो उठाई VN ऐप या कोई भी ऐप से, वीटा ऐप से जोड़ी और बस क्लिप एक साथ जोड़ी खत्म. और अगर कोई सीन नहीं आया तो मैं उस पर टेक्स्ट लिख दिया करता था कि ये किया है, जैसे अब आने वाला है कुछ और तो मैंने उसके बारे में लिख दिया कि अब हम ये करेंगे, तो फिर आगे क्लिप होता था. ऐसे करते ना पहले, भाई साहब अब कितना ही इंक्रीज हो गया ना. अब भाई पहले एडिटिंग के लिए वीटा ऐप यूज़ करता था, कैपकट यूज करता था, अब PC आ गया तो उसमें तो भाई प्रीमियर प्रो चलता ही अपना, मतलब अभी सीख रहा हूँ, अभी सीखने में टाइम लगेगा. सो गाइस, बाय द वे, अभी हम रिएक्शन देने वाले अपनी वीडियोस पे, उससे पहले मैं नीचे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि फिर देखने वाले हैं कि कौन सी वीडियो रिएक्शन देने वाले. लेट्स गो. तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपकी स्क्रीन पे आई गई होगी. मैं अभी अपने हेडफोन्स लगा देता हूँ गाइस. ओके, हेडफोन्स लग गए मेरे. सो आपके स्क्रीन पर वीडियो ये आ चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे हो. और अभी हमने लेटेस्ट वीडियोस तो डाली हैं, बट हमने ये कौन से लेटेस्ट पे तो हम करने नहीं वाले रिएक्ट बिल्कुल भी. अब हम इस रिएक्शन वीडियो पे रिएक्ट करेंगे तो बेकार लगेगा, रिएक्शन वीडियो पे रिएक्ट करेंगे तो बेकार लगेगा. और तो मैं बताना आपको कि रोस्ट कैसा लगा पार्ट टू का. बहुत बंदों की मतलब हेटर्स की जल भी रही थी, वैसे हेटर्स को जलने दो, आजकल तो सभी जल रहे हैं. हमारे पास आ जाएगा 27th नाइट ऑफ रमजान वीडियो एंड स्माइली. और अभी हम इस पर रिएक्ट करने वाले हैं, शायद पोस्ट भी करते हैं हम आज अपने ओल्ड वीडियोस को. लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो. पहली बात तो भाई इसकी क्वालिटी अच्छी करो, मेरी वीडियोस में ऐसी ऐसी क्वालिटी नहीं आती. 360 नहीं, HD रखो. चलो कोई नहीं कोई नहीं, पहले मेरे पास कैमरा भी नहीं अच्छा था ना, कैमरे की बात होती है. Wait a second, ये पीछे तेरा जूम करना, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ. दिस मैन, What is this? Guys, वैसे एक चीज है कि उस दिन भी मैंने कुर्ता पजामा पहना था और आज भी आना, शक्ल कैसी हो रखी है मेरी पता नहीं यार. चलो गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स गो गाइज. सो आज की इस वाली वीडियो में हम जागने वाले पूरी रात, वो भी अपने दोस्तों के. उस दिन रात थी, 27th नाइट ऑफ रमजान थी, क्योंकि रात थी ठीक है. दिन हमको जागना था पूरी रात, मतलब 3 बजे तक फिर शायरी गानी थी, फिर रोजा रखना था, मतलब नमाज पढ़ के सो जाना था. बट हमने सोचा कि ना प्रॉपर तो कर पाएंगे हम, बट आपको रियलिटी में आगे बताऊंगा इस बार इसके पीछे दो कहानियां छुपी हैं, देखना आप आगे. चलो because today is the 27th night of Ramzan, वैसे day 26 है. जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इतने अच्छे वीडियो इसलिए नहीं आती बिकॉज पहले तो मेरे पेपर चल गए, उसके बाद रमजान आ गया तो टाइम से नहीं लग रहा था थोड़ा, तो अब फाइनली वीडियो आ चुकी है. पहले तो तू ओल्ड GS व्लॉग मास्टर, तू ये बता तुझे जगह ये मिली थी, पीछे गाय चिल्लाई आ रही है भाई, तू अलग 6 महीने पहले करता था. मैं 27th नाइट ऑफ रमजान की वीडियो और हम ट्राई करेंगे पूरी रात जाग पाए, मतलब 3 बजे तक जब तक जागना होता है, और इबादत करेंगे और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा. पहली बार मैं यहाँ पे जाग रहा हूँ फरहान के साथ, सो ट्राई करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. ये गाय देखो पीछे अब हम आपको मिलते हैं जोहर की नमाज में. जोहर की नमाज पर आ चुके हैं और अब हम आपको मिलेंगे डायरेक्ट असर की नमाज में. व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बहुत जल्दी थी, सो तरीका भी दिखाएंगे आप. हम आपको मिलेंगे असर की नमाज में और फिर रात को जागना भी है. हमें नमाज पढ़ने जाना है, अजान हो रही है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो चलते हैं, ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट अजान हो रही है. एंड देन उसके बाद हम तैयारी में चला गया. आके बता तो देता भाई, पूरा ओल्ड GS व्लॉग मास्टर पहले बता भी देता कि भाई आ गए हम, ये वो
कुछ नहीं, सीधा अफ्तियारी में चला गया भाई। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो और अफ्तियारी करके हम जाएंगे नमाज पढ़ने, तो लेट्स गो अफ्तियारी करते हैं और चलते हैं फिर। और फिर अजान हो गई थी तो मैं चला गया नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। फाइनली मगरिब की नमाज भी पढ़ के आ गया और ईशा का टाइम हो गया, अफ्तारी देखी थी हमने कर ली थी। और स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ, इसने ओल्ड जीएस लोग मास्टर ने जोहर से स्टार्ट किया था। जोहर से जोहर में मिलते हैं, असर में मिलते हैं, असर से असर में मगरिब में, इफ्तार से मिला मगरिब का बताया, मगरिब से सीधा ईशा। अब ईशा अब हम सेटअप कर रहे हैं अपना ऊपर नमाज पढ़ने का। अभी तो सारा अंधेरा अंधेरा, ये लाइट लगाई इसका दिख नहीं रहा, तो नहीं क्या चक्कर है। सो अभी नमाज पढ़ते हैं। क्या चक्कर था, लाइट बहुत अच्छी रोशनी दे रही थी भाई। ये पता है क्या, जो आईफोन्स होते हैं ना, आईफोन का आपने देखा होगा, उसमें जब आईफोन 6 को मैं उससे वीडियो शूट करता था ना, तो जब मैं उसके पास लेके जाता था ना, मतलब अंधेरे में मतलब 5 बजे के बाद तो उसमें अंधेरा करना स्टार्ट हो जाता था। और अगर कभी आपने रात को वीडियो बना ली उससे, आपका चेहरा ही नहीं दिखेगा, शक्ल नहीं दिखेगी आपकी, टंगी भी पड़ेगी नमाज। पहले बताऊँ मैं, जिस वीडियो में ये दो छोटंगी आ जाते हैं ना, ये और मेरी मासी के दो लड़के, वो दोनों छोटंगी भाई, उस वीडियो पे 200 व्यूज तक चले जाते हैं भाई, सीरियसली उस पे 200 तक गए व्यूज। एक ना अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो ये जैसे ही मैं इनके सामने ना, इन सबके सामने, मतलब जो भी जितने भी हैं हमारे वीडियोस बनाता हूँ मैं इनके साथ, उन सबके सामने जैसे ही कैमरा आएगा ना, जैसे ये फ़ोन है, कैमरा उनके सामने आ गया, ऐसे मैं शूट कर रहा हूँ ठीक है, तो वो एक दूसरे को भाई भाई से बोलने लग जाएंगे, चाहे वो छोटे क्यों ना हो अपने से। भाई कैमरा बंद हो जाए और थोड़ी सी बात हो जाए ना इनके बीच में, जो लड़ाई बचती है इनके बीच में, भाई भूल जाते हैं फिर, ये भाई है कि नहीं है, फिर बोलते हैं हमें तू है कौन भाई, तू है कौन मेरे से बात करने वाला। और जैसे ही कैमरा ऑन हो जाए, भाई 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 भाई, फरहान भाई आ गए, मन्नान भाई आ गए, असद भाई आ गए, रहान भाई आ गए, अब्दुल्ला भाई आ गए, वो भाई आ गए, ये भाई आ गए, अरे सभी भाई हमारे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वीडियो में पर कैमरा ऑन के टाइम, कैमरा ऑन हो तो। वैसे तो भाई ये ऐसे करते हैं, और भाई क्या ख्याल है, मतलब भाई तो होता ही नहीं है बीच में ऐसे, भाई बहुत फनी है मेरे जो भी है टीम मेट्स। ओहो गाइस, मैं आपको फर्स्ट फोन दिखाता हूँ अपना, वेट वेट, 3 2 1, इसके पीछे है वो फोन, तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसे दिखा दूंगा, 3 2 1, ये रहा ओप्पो का पहला मॉडल जो ओप्पो ने बनाया था वो ये। आज इसके फोन की हालत आप फ्रंट से देखोगे ना, कुछ हेल्थी है भाई, सीरियसली ऑन नहीं होता ये, देखो ये फोन ऑन नहीं होता, खाली डेड फोन है, डमी फोन, मैं इसको पटक देता हूँ, फोड़ देता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस फोन को ना हम अपने टाइम ट्रेवल वाली वीडियो में यूज कर लेंगे। ये देखो ये फोन मैं फेंकता भी नहीं, बेचता भी नहीं भाई, क्योंकि भाई इसकी वजह से तो हमारा चैनल बना था, और इसी इस फोन की वजह से हमने शायद 50 सब्सक्राइबर पार किए थे। हाँ, इस फोन की वजह से 50 सब्सक्राइबर। ये याद है आपको भाई, गिम्बल जो जिसको मैंने यूज किया था अपनी वीडियो में, मैंने उसका सस्पेंस बना दिया था पूरा वीडियो में, पता क्या मैंने वीडियो बना दी एक फुल कि हमारा सरप्राइज आने वाला है, उसके एक महीने बाद सरप्राइज रहता है, हफ्ते बाद। ये देखो ये रहा वो गिम्बल भाई, इस पर टेप चिपकानी पड़ रही है, देखो ये इसकी फ्लैश लाइट अब काम भी नहीं करती है, देखो मैं पीछे से बटन खोलूंगा आगे जलेगी नहीं, और मतलब ये इसका ये है ना, ये गायब हो गया पता नहीं कहां। गाइस देखो 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 गाइस, ये सेट ये चला रखा है, और पीछे देखो जैसे मैं भी अपनी चीजों को संभाल के रखता हूँ, चाहे उनकी वैल्यू कितनी भी डाउन हो जाए, आप भी मत से करो, क्योंकि जैसे 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 चीज पुरानी होती है ना, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती है, बेचने वाली कीमत नहीं, वैल्यू। अगर इसका पार्ट टू चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, बस आपको कमेंट करना है मेरी नीचे वीडियो में, पार्ट टू मैं इसका पार्ट टू बना दूंगा। के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो में तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं सीधा 100 वीडियोस में। ओ जी ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है हमारे ओल्डी गोल्डी के साथ, सो बाय बाय।